वेलकम टू जेसीज कुकिंग। आज हम बनाएंगे ओडिशा की एक बहुत ही फेमस मिठाई की रेसिपी जो है छेनापोड़ा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है और दूध को गैस में उबालने के लिए रख दिया है। दूध में जब उबाल आ जाए तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के 2 मिनट बाद हम इस पे नींबू का रस डालेंगे। तो इसके लिए हम एक नींबू ले लेंगे और नींबू को आप 1 घंटे पहले से पानी में भिगो के रख सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा रस निकले। फिर रस निकालने के बाद हम उस रस में थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। फिर पानी ऐड करके हम रस को छान लेंगे। 2 मिनट बाद दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू पानी डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, जब तक कि छेना पानी से पूरा अलग ना हो जाए। मिठाई के लिए हमको सॉफ्ट छेना चाहिए, इसलिए हम गैस को 2 मिनट पहले बंद कर रहे हैं और 2 मिनट बाद हम उस पर नींबू का पानी ऐड कर रहे हैं। देखिए कैसे छेना पानी से अलग होना शुरू कर दिया है और थोड़ी ही देर में ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। हमारा छेना बनके बिल्कुल तैयार है। अभी हम छेने को पानी से अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक छन्नी के ऊपर एक कपड़ा रख दिए हैं और उससे हम छेने को छान लेंगे। अभी हम हाथ से दबा के जितना हो सके पानी को अलग कर देंगे। छेने से पूरा पानी हमको अलग करना नहीं है, तो हम इसको अच्छे से दबा के ही हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। छेने से जो पानी निकलता है आप उसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। उससे आप आटा गूंथ सकते हैं जो कि आटा को बहुत नरम बनाता है, और उससे आप ग्रेवी भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है। छेने को हमने एक बाउल पे ले लिया है और अब